नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में बताया जा रहा है कि अचानक आग लग गई, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यहाँ फिलहाल 8 की मृत्यु होना सामने आ रहा, बल्कि 20 से ज़्यादा घायल होने की जानकारी है। तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन पर ये जानकारी सामने आ रही है। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के लखनऊ से रामेश्वर जा रही पुलानपुर मदुरई एक्सप्रेस में आग लग गई। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 की खबर आ चुकी है। सभी लोग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना की सूचना सुबह करीब 5:15 पर मिली थी, जब ट्रेन मदुरई यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। और दक्षिण रेलवे का कहना है कि ट्रेन के प्राइवेट पार्टी कोच में यात्री अवैध रूप से गैस सिलेंडर की तस्करी कर रहे थे, इसी वजह से आग लग गई। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। मदुरई कलेक्टर ने हादसे में 8 की सूचना पुष्टि की है। वहीं 20 से ज़्यादा घायल होने की जानकारी है। गवर्नमेंट राजा जी कॉलेज मदुरई में सभी को सीएससी पहुँचाया गया है, प्राथमिक उपचार जारी है। इसकी 8 की पुष्टि की गई कलेक्टर के द्वारा। सो दोस्तों, तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर लाइक शेयर कमेंट करें। जाएंगे